गोरखपुर जिले में बुधवार को 232 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। अब गोरखपुर जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13,460 हो गई है। 11,496 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,784 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 187 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को सबसे अधिक 69 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 16, कोतवाली क्षेत्र में 12, कैंट में 59, रामगढ़ ताल में 20, गुलेरिया में 2, चिलवा ताल में 3, राजघाट में 11 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 36 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 17, खोराबार 4, पिपराइच में 7, पिपरौली में 1, सरदारनगर में 4, बड़हलगंज में 2, गोला में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 9 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों में विशेष सावधानी को बरतने की अपील भी की जा रही है।